और अब बात करते हैं नर्मदापुरम की, जहां जिले के सिवनी मालवा में बीजेपी की गुंडागर्दी सामने आई। भाजपा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष वरुण पटेल रघुवंशी ने बांका बेड़ी पंचायत में चुनाव दल पर डंडे और बेसबॉल से हमला कर दिया। उनके डेढ़ दर्जन समर्थकों ने पीठासीन अधिकारी, स्टाफ और दो पुलिस कर्मचारियों से भी मारपीट की, एक इंस्पेक्टर की वर्दी तक फाड़ दी। हमले में पीठासीन अधिकारी रत्नेश तिवारी, गौरव प्रजापति, इंस्पेक्टर राम प्रसाद करवेती और कांस्टेबल अतुल विश्वकर्मा को चोटें आई हैं। इंस्पेक्टर राम प्रसाद कवरेती की वर्दी भी फट गई। भाजपा मंडल अध्यक्ष वरुण की भाभी को जनपद पंचायत के वार्ड 19 में बांका बेड़ी मतदान केंद्र से हार मिलने के बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि रात 9 बजे मतदान दल बस के आने का इंतजार कर रहा था और इसी वक्त भाजपा मंडल अध्यक्ष 15-20 साथियों के साथ मतदान केंद्र पहुंचा। पीठासीन अधिकारी पर दोबारा मतगणना कराने का दबाव बनाने लगा। वहीं दल के इनकार करने पर वरुण और उसके साथियों ने जनपद पंचायत के प्रत्याशियों की पेटी को लूट लिया, मत पत्र निकाल कर फाड़ दिए। घटनाक्रम की सूचना मिलने के बाद कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी डॉक्टर गुरकरण सिंह सिवनी मालवा और बांका बेड़ी पहुंचे, जहां रात 2 बजे बलवा सहित अन्य धाराओं में FIR दर्ज की गई। चुनाव दल पर हमला करने और मत पत्र फाड़ने के मामले में भाजपा मंडल अध्यक्ष वरुण रघुवंशी सहित 15 लोगों पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। TI जितेंद्र सिंह यादव ने कहा कि वरुण रघुवंशी, शुभम रघुवंशी समेत 15 लोगों ने चुनाव दल पर डंडे और बेसबॉल से हमला किया। उन्होंने पेटी का ताला तोड़कर मतपत्र भी फाड़ दिए। सभी के खिलाफ धारा 147, 148, 294, धारा 506, धारा 332 और धारा 186 और 204 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135A, 136 SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। वरुण रघुवंशी भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष बताए जाते हैं। वहीं सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी खोजबीन जारी है। नदी और वहाँ पर पुलिस पहुँचने के बाद इनके द्वारा FIR की गई कि जब वो मतगणना कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद वहाँ पर प्रत्याशी थे वरुण रघुवंशी, जो कि मतगणना से संतुष्ट नहीं थे और उनके अन्य साथियों द्वारा पीठासीन अधिकारी के कक्ष में घुसकर उनके साथ गाली गलौज की गई, उनके साथ मारपीट की गई। गणना पत्रक बनाया जा रहा था और पूरी चीज़ों को सील किया जा रहा था, उसके बाद कुछ लोगों ने आकर के वहां पर कुछ मतपत्र फाड़े हैं। इससे संबंध में पूरा प्रतिवेदन बना करके आयोग को भेजा जा रहा है और आयोग के निर्देश अनुसार आगामी कार्रवाई।